दर्शकों, मैं हूं प्रज्ञा। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। महिला वकील हत्याकांड में बड़ा खुलासा, 3 करोड़ रुपए की ज्वेलरी के लिए घरेलू सहायक सहायिका ने किया कत्ल। नोएडा के सेक्टर 31 में सुप्रीम कोर्ट महिला वकील की हत्या घरेलू सहायक सहायिका ने ही गला दबा कर की थी। दोनों साथियों के साथ ज्वेलरी व कार लेकर भाग गए थे। वकील की पुरानी घरेलू सहायिका ने दोनों के घर में 3 करोड़ रुपए से अधिक की ज्वेलरी होने की बात बताई थी। राजधानी में महफूज नहीं नारी, रोजाना 6 दुष्कर्म और 9 से छेड़छाड़, औदे मुंह गिरे अफसरों के दावे। भले ही अफसरशाही महिला सुरक्षा के तमाम दावे करती हो, लेकिन हकीकत कोसों दूर है। दिल्ली में प्रतिदिन 6 महिला दुष्कर्म का शिकार होती है और करीब 9 से छेड़छाड़ की जाती है। यह तो वह आंकड़े है जिनमें शिकायत दर्ज कराई गयी। सच यह भी है कि ज्यादातर महिला लोक लाज के कारण शिकायत दर्ज करने थाने नहीं जाती है। चूहे में पत्नी को दांव पर लगाया, जीत गए दोस्त, फिर मिलकर किया गैंगरेप। यूपी के जौनपुर से पति द्वारा एक महिला को बेच जाने की खबर सामने आ रही है। पति पर आरोप है कि उसने जुए में रुपए खत्म हो जाने के बाद अपनी ही पत्नी को दांव पर लगा दिया। इसके बाद पति के दोस्तों ने महिला के साथ गैंगरेप किया। महिला की शिकायत पर जब पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया तो पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब जाकर मामले में कार्रवाई हुई। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।